टीवी सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है में रूही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखे घर घर में अपने किरदार के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। शुरू में पॉजिटिव ढंग से शुरू हुआ रूही का किरदार अब धीरे धीरे काफी हद तक ग्रे शेड हो चुका है। एक इंटरव्यू में प्रतीक्षा ने जनता द्वारा उनके किरदार को अस्वीकार किए जाने से लेकर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में बात की और बताया कि अगर आज झनक ने ये रिश्ता क्या कहलाता है को बीट किया है तो कल हो सकता है कि हम उस सीरियल को बीट कर जाएं। इंडिया फोरम के साथ बातचीत में कहा, झनक का ये रिश्ता क्या कहलाता है से आगे निकल जाना कोई खतरे की बात नहीं है क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत आम बात है। अगर आज झनक ने ये रिश्ता का कहलाता है को पछाड़ दिया है और हम नीचे रह गए हैं तो कल को हम भी झनक को पछाड़ सकते हैं। मैं अपने काम पर फोकस करने और अपना बेस्ट देने में यकीन करती हूँ। इंसान को बहुत लगन के साथ काम करना चाहिए क्योंकि हर किसी पर उसके ऊपर वाले की नज़र होती है और आज नहीं तो कल उसका इनाम मिलता है। इसलिए मैं झनक को किसी थ्रेट के तौर पर नहीं देखती हूँ। यह जिंदगी का हिस्सा है जहाँ बदलाव होते रहते हैं, इसलिए मैं यह मानती हूँ कि परमानेंट थ्रेट जैसा कुछ भी नहीं होता है। मालूम हो कि समृद्धि शुक्ला और सहजादा धामी स्टारर सीरियल रिश्ता का कहलाता है टीआरपी के मामले में कमाल कर रहा है। यह शो लगातार टॉप 5 के भीतर बना हुआ है और लीप के बाद कहानी में काफी बदलाव किए गए हैं जिस वजह से नई तरह का फैन बेस इससे जुड़ा हुआ है। प्रतीक्षा होनमुखे के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।